इट्स गोइंग टू बी टॉस की प्रक्रिया आपके बीच होनी कहीं दोनों टीम में से किसकी कौन टॉस जीतते किसकी हो देव One point.
बिल्कुल अपनी गलती नहीं दिखा रहे इसमें आज में और ये दिखा होगा
सेफ्टी डिफेंडर पूरी कोशिश की क्रिस्टोस के साथ अगले कुछ मिनटों में उतरी है बार बोल की टीम में दिखाइए अपने गोल की इस मैच में इस लेडर को रोकिए तभी आपकी टीम में इस मैच में वापसी कर पाएगी और ये रुकने वाली नहीं है और इसी के साथ ही खेलते हुए देव की ओर का और ये खिलाड़ी अकेला रेडर बार बोल का लगातार स्कोर करता है टीम के लिए डिफेंडर भले ही आचार्य लेकिन अपना सब योगदान दे रहा है बोनस पॉइंट बार बोल्स के बारे में और ये खिलाड़ी मनीष दुबे जाल के कैसे लगा पाएंगे चौकड़ी बिंस है क्या स्कूटी टच पाते हैं टोटल से इतना बेस्ट किस स्किल से लेकिन उसमें भी कमी नहीं छोड़ते हो पापा वापसी कीजिए इस मैच में आपसे उम्मीदें हैं टीम के कोच आपकी और बुल्स के कोच आपकी उम्मीदें आपसे और वापसी कर सकते हैं क्योंकि अभी ये वक्त आपके पास टाइम है उपलब्ध है और ये टाइम आप लोग लीजिए अब इस मैच को वापसी करवाएंगे हर्ष क्या खूब परफॉर्मेंस ठीक है अगर कबड्डी में लंबाई की लंबाई का भी एक अपना महत्व होगा यानी लंबे लोगों की बात अलग ही हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं बार बोल्स भी अपनी कोशिश में है बिल्कुल मैंने अपने जी कहा कि लंबे खिलाड़ी जो अपनी लंबाई का फायदा उठाते हैं इस मैच में लॉन्ग और एक छोटा ग्राउंड है तो इसमें भी खूबी अपने लंबाई का फायदा उठाते हैं और चलिए इसी के साथ एक योगा फिर से अपने पॉइंट्स को लेने की और कोशिश से पूरी की और देव योगा की तरफ है इसी लेकिन तेरा योगा के टीम पार्टिसिपेट की और क्या खूब अब तक एक भी मैच में उसने की बोनस पॉइंट सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ 21 पॉइंट्स देव योद्धा और 18 पॉइंट्स बारबोल्स की है यानी कि आपके बीच 3 पॉइंट्स के डिफरेंसेस है 3 अंकों की गेंद कोई मायने नहीं रखती इस मैच में कबड्डी के खेल में एक एक रेड में 6-6 पॉइंट तक निकल जाते हैं और क्या क्या खिलाड़ी आज हो चाहे आप हर्ष की बात करें चाहे आप शिवम की बात करें दोनों तरफ से स्कोर करेंगे और स्कोर करेंगे और क्या क्या सवाल टीमों को मिला सुपर टेक अलाउट जब तीन या तीन से कम खिलाड़ी ग्राउंड पे रहते हैं तो सुपर टेक अलाउट होता है इसमें आप कैश बनाएंगे तो दो अंक लेकर जाएंगे अपने खाते में उनकी आपको जरूरत है बाहर से कीजिए प्रयास कीजिए आप में वो क्षमता है और ये खिलाड़ी अपने कोशिश के साथ और छिड़ाव लगाते हुए पॉइंट्स में से और बार बोल्स की टीम लास्ट खिलाड़ी बोनस का क्या बोनस प्लस वन हम लेकर आएंगे अपने भी टीम के प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे बोनस तो दे दीजिए जनता क्या बनाएगी या फिर एक अंक लेने में कामयाब होगी रेडर देखना होगा प्रयास कर रहे हैं कोई सा टूट जाइए मगर की चक्कर और योद्धा की चक्कर से कभी छूटता नहीं खिलाड़ी और देखते हैं क्या खूब डिफेंडर का दबदबा योद्धा का और ये खिलाड़ी को रोक लीजिए अभी भी वक्त आपके पास है बिल्कुल और टोटल देव योद्धा के पॉइंट 27 और बार बोल्स 20 पॉइंट्स यानी 7 पॉइंट के डिफरेंस है 7 पॉइंट्स के डिफरेंस में बार बोल्स यानी टोटल 28 पॉइंट से लीड कर रहे हैं देव योद्धा और बार बोल्स 20 पॉइंट
भी होता ये भी होता ये भी होता कि बात करते हैं ये फिर भी खिलाड़ी हमने कराम देते बिल्कुल इसका सुविधा में और क्या कौन प्रतीक देखने को मिला योद्धा के लड़के के द्वारा और शिवम अकेला शिवम स्कोर कर इस मैच में 1.5 points आपको इतनी अच्छी निर्देश और उन पर आप उतर रखे
और इसी के साथ लीड करते हुए देव योद्धा 35 और 27 बार गोल्स, यानी कि ये डिफरेंसेस है। देखेंगे थोड़े वक्त बाद में ट्रबल टाइम होगा, यानी देव योद्धा और पहाट के पुत्र बल्टन्स के बीच वर्सेस होगा, फाइनल मैच होगा, लेकिन देखते हैं दोनों